उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। सदन में कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर बवाल काटा और खूब नारेबाजी भी की, जिसके बाद वे सब वेल में जा गए। हालांकि हंगामे के कुछ देर बाद कार्रवाई शुरू हो गई। सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर पैदल मार्च भी निकाला। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इस मार्च को रोक दिया था। दूसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। तो वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के एक ट्वीट ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले सपा बसपा गठबंधन टूटने के बाद शायद पहली बार है जब मायावती ने किसी मुद्दे पर सपा का समर्थन किया है। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी किया है, तो सपा के लिए उनकी तल्खी कम दिखाई दी है। मायावती ने विधानसभा के बाहर सपा के धरना प्रदर्शन के समर्थन में भी अपने ट्वीट में लिखा है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में सपा या अखिलेश के नाम का जिक्र अपने ट्वीट में नहीं किया है। मायावती ने लिखा है कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जनविरोधी नीतियों और उसकी निरंकुशता और जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। यह मायावती का पहला बयान था। दूसरा उनका जो ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के पक्ष में था। इसमें उन्होंने ये लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एकमुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है वह अनुचित और निंदनीय है। यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, बीएसपी की मांग है ये। वहीं तीसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने फिर से भाजपा सरकार पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने और उन पर दमन चक्र के पहले भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जन जीवन ठप करने का उनका क्रू इतिहास है। मायावती के ट्वीट पर एक टीवी चैनल पर भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टी के नेता को अपना विचार रखना स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसीलिए अगर मायावती जी ने कुछ बोला है तो भाजपा को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वे लोग केवल ट्वीट के शेयर हैं, ट्वीट के अलावा ये कुछ भी नहीं करते हैं। वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मायावती के ट्वीट और सपा बसपा गठबंधन के सवाल को टाल दिया और कहा कि मैं इस मसले पर नहीं पढ़ना चाहता हूं। भदौरिया ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी की आवाज में कोई अपनी आवाज उठा रहा है, हम शुरू से जनता की आवाज उठा रहे हैं। तो वही इस पर अमर उजाला ने राजनीतिक जानकारों से बातचीत की है, जिसमें हमने सवाल किया कि क्या सपा बसपा फिर आएंगे साथ। इस सवाल पर जानकारों का कहना है कि ऐसा सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती अभी तक सपा पर तीखे हमला करते आई है, लेकिन इस ट्वीट से ही सारे मतलब नहीं निकाले जा सकते। यूं तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, दूर विरोधी पार्टियां भी अचानक एक हो सकती हैं। बिहार में जेडीयू आरजेडी और यूपी में सपा बसपा इसके उदाहरण है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हुआ था। ऐसे में संभव है कि उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आ जाए। हालांकि अगर गठबंधन होगा भी तो यह केवल सपा और बसपा के बीच नहीं होगा, बल्कि एक मजबूत विपक्ष की रणनीति के अनुसार होगा, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, जेडीयू जैसी तमाम पार्टियां शामिल हो सकती हैं। ये पार्टियां मिलकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ सकती हैं। मायावती का ट्वीट इस ओर एक पहला कदम भी साबित हो सकता है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि मायावती के पास अभी भी दलित काडर का वोट बैंक है।
इस बार चुनाव में बसपा को 12.88% वोट मिले थे। ये कांग्रेस, अपना दल समेत कई दलों से अधिक है। ऐसे में अगर 2024 में विपक्षी गठबंधन बनता है तो बिना बसपा के ये मजबूत नहीं हो सकता है। विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए बसपा का साथ लेना ही पड़ेगा। पिछले कई ट्वीट्स में मायावती सपा पर निशाना साध चुकी है। भाजपा खिलाफ होने वाले ट्वीट्स के शब्द काफी सॉफ्ट रहे हैं। मायावती अभी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ करने की कोशिश में जुटी हैं। ऐसे में भाजपा खिलाफ सॉफ्ट और सपा के खिलाफ हार्ड ट्वीट से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के ट्वीट से वह मुस्लिम और अपने अन्य वोटर्स को यह संदेश देना चाहती हैं कि वह भाजपा सरकार के खिलाफ है और जनता के मुद्दों को ही प्राथमिकता देती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।